हाय दोस्तों, नमस्कार। आज 14 जुलाई 2018 को जो फर्स्ट पारी में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की देख लेते हैं। यानी इसी पेपर के भाग सक की आंसर की मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में भाग ए और बी की आंसर की डाल रहा हूँ। पहले भाग सक के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका आंसर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह है सल्फर गंधक में। क्वेश्चन नंबर 33, चार विलयनों ए बी सी और डी का पीएच मान क्रमशः 2.4, 4.5 और 5.5 है, इसमें न्यूनतम अम्लीय कौन है? तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन फुटपाथ की मदद से चलता है? तो इसका आंसर है अम्बीबा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? आंसर है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है बोमन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? इसका आंसर है इस्पात। 38 क्वेश्चन है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एम ओब्लिक एस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह है विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिसमें किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में भी सूक्ष्म है, और उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरातत्वों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान खालिस्तान में है। तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज KHFRS ने। किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? यह अशोक, यानी कलिंग युद्ध तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अशोक ने आध्यात्मिक परिवर्तन कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर की खोज कब हुई थी? इसका आंसर है C 3500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? तो बेंगलोर को। किस शहर में नोबेल पुरस्कार अवार्ड समारोह आयोजित किया जाता है सिवाय शांति पुरस्कार के? इसका आंसर है स्टॉकहोम, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन 49 है, ध्यानचंद एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है फील्ड हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 51, एक अग्रणी भूकंपीय दिन में अनुसंधानकर्ताओं ने
के बिंदु भारतीय समुद्री जियोलो की जांच की है, इस कारण जो है असामान्य रूप से निम्न गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 105वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल में। क्वेश्चन नंबर है 53, मई 2018 में नासा द्वारा किस ग्रह के गहरे आंतरिक अध्ययन हेतु उसके सर्वप्रथम मिशन इनसाइट भूकंप का प्रयोग कर आंतरिक अन्वेषण जांच जियोडेसे एवं ताप परिवहन की शुरुआत की थी, तो यह मंगल। क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2018 में किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्य के 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की है, तो ये किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2018 में किस बैंक ने HWIFT वैश्विक भुगतान नव परिवर्तन बेहतर सीमा पार भुगतान की लाइव सेवा शुरुआत की है, तो ये किया ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा जारी वैश्विक शहरी हवाई प्रदूषण डाटाबेस के अनुसार 20 सर्वाधिक प्रदूषित युक्त शहरों में से भारत के कितने शहर शामिल है, इसमें है 14 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय संसाधन विज्ञान हेतु RIKEN केंद्र में किए गए एक नए अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान में उगाए गए पौधों में सूखे जैसी परिस्थिति में पानी अथवा अन्य ऑर्गेनिक एसिड से उगाए गए पौधों की तुलना में अधिक सहन शक्ति होती है, तो यह है विनेगर। क्वेश्चन नंबर 58 है, जनवरी 2018 में यूनेस्को द्वारा योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है श्री रंगम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 59 है, जनवरी 2018 में किस टीम ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए पुरुष अंडर 19 ICC विश्व कप 2018 में विजय हासिल की है, तो ये किया भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122वें बोस्टन मैराथन 2018 के महिला विभाग में किसने जीत हासिल की थी, तय की थी डिजायरी लिंडन ने। तो ये थे अपने भाग ब के 30 क्वेश्चन। अब भाग MM रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में कैलकुलेटर को DZMBVSUZ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मद्रास को कैसे लिखा जाएगा, यानी सी में प्लस ए करने में नेक्स्ट DR है और ए में माइनस ए करने में ZR है, फिर एल में प्लस ए करने में MR है, फिर वापस सी में माइनस ए करने में B आ जाएगा, इसी प्रकार यू में प्लस ए करने में आ जाएगा V, फिर टी में माइनस ए करने में S आ जाएगा, फिर वापस टी में प्लस ए करेंगे तो यू आएगा, फिर M में माइनस ए करेंगे तो Z आएगा, इसी प्रकार M में पहले यहाँ प्लस किया तो MA प्लस करेंगे तो आ जाएगा N, फिर MA माइनस ए करेंगे तो Z आ जाएगा, इसी प्रकार अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त वेन आरेख में उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं, बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या पता के लगाई है, यानी कुल संख्या पूछी है यहाँ, तो बास्केटबॉल में एक तो ये वो 10 11 11 और 2 13 13 और 2 15, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही चित्र का चयन करें जिसे ऊपर दर्शाए गए चित्र क्रम में आना चाहिए, यानी ये जो
आयत का निशान है, यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम में ये आ रहा है, फिर यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम में नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ से अगले डायग्राम में यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आगे वाला अपना डायग्राम होगा उसमें ये यहाँ चला जाएगा। तो ये डायग्राम अपना ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर का आंसर होगा केवल कथन दो का पालन का होता है, यानी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 46.9, यानी ये जो 12 महीने दिए हुए हैं सभी 12 महीनों के 12 महीनों के अंकों को जोड़कर फिर जो ये अपने को दिए गए हैं मई जून सितंबर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के अंकों को जोड़कर ऊपर इन पांच महीनों के ऊपर महीनों के अंक ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे इन सभी के अंक, फिर गुना आगे शो कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिसका आंसर होगा केवल मान्यता दो का पालन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर सेवन है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर एट, यानी एट में कुछ श्रृंखलाएं दी गई है हमें और नीचे लिखा कि उपरोक्त अनुक्रम में प्रस्तुत तर्क के आधार पर उस पद को ढूंढे जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यानी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के और बड़े वाला अक्षर, इसमें देखते हैं कहाँ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बाद में आ रहा है के, यानी दो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में दो को छोड़कर अपने यहाँ किया है, फिर तीन को छोड़कर अपना बड़े वाला निशान ही आया है। इसी प्रकार ऑप्शन बी में देखेंगे एल एल आ रहा है अपना यहाँ, फिर एल में एल के बाद में आई आ रहा है, यानी दो को छोड़ के फिर आई आ गया, और फिर दो को छोड़ के आ रहा है बड़े वाला निशान। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखते हैं, सी में पहले ऑप्शन सी में एम एम के बाद में यू आया, एम के बाद में दो अक्षरों को छोड़ के यू आ रहा है, फिर यू के बाद में यहाँ आई है, फिर यू के बाद में दो अक्षरों को छोड़ रही आ रहा है। इसी प्रकार बी सी और डी में पहले वाला अक्षर आ रहा है उसके बाद में दो अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर आ रहा है, और उसी के बाद में दो अक्षरों को छोड़कर तीसरा अक्षर आ रहा है, यानी इन तीनों में एक ही श्रृंखला चल रही है और इसमें अलग चल रही है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त समूह से संबंधित नहीं है, यानी जो पहले वाला चित्र है उसमें दो वर्ग दिए गए हैं और बीच में एक आय दिया गया है, इसी प्रकार तीसरे वाले अक्षर में भी दो वर्ग है और एक आयत है, और चौथे वाले अक्षर में भी दो वर्ग है और एक आयत है। जो ऑप्शन नंबर दो है अपना, इसमें दो वृत्त और एक वर्ग है, तो अपना आंसर दो अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों की जोड़ी के बीच है, यानी शत्रु को बुरा कहा गया है, तो इसी प्रकार इससे मिलता जुलता शब्द अपना सबसे होगा चोर को दुष्ट कहा जाएगा, यानी शत्रु को बुरा कहा जाता है तो इससे सर्वाधिक मिलने वाला शब्द हो जाएगा अपना चोर को दुष्ट कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल निष्कर्ष एक, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो का पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जिसमें वर्गों की संख्या पूछी गई, इसमें सात वर्ग जाएंगे और
नेट सिंह के क्वेश्चन है 13, इसका आंसर होगा 385, यानी या 100 है फिर माइनस 15 किया, फिर माइनस 15 17 आ गए, 17 में माइनस 15 किया आगे 55, 55 में माइनस 15 करेंगे तो 40 आ जाएंगे, और 40 में माइनस 15 करेंगे तो 25 आएंगे, और 25 में माइनस 15 करेंगे तो आ जाएंगे 10, यानी 10 आ जाएंगे। फिर इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़कर अपना आंसर हो जाएगा 385। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें जल में छवि जल आकृति पूछी गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15, यानी अब जो क्वेश्चन बचे उनके मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर पूरा हल करके बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा अपना वीडियो। क्वेश्चन 15 के आंसर है ऑप्शन ए यानी 22, और क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर होगा क्यू ऑप्शन डी, और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर हो जाएगा पिता ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 21, यानी 21 नंबर क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यानी दोनों सेम है, अब इसमें दोनों ही आंसर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसका आंसर हो जाएगी अपनी आकृति डी, यानी ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों धारणाओं का पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसका आंसर होगा अपना 93.1, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों कथन एक साथ आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जिसमें इन तीनों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यानी बत्तख मोर और पक्षी में कौन सा वेनारेख निरूपण का चयन करेगा, यानी ये डायग्राम हो जाएगा अपना पक्षी का, और इसी के अंदर बत्तख और मोर आ जाएगा, बत्तख का अलग हो जाएगा मोर का अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, जिसमें आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इस आकृति में 12 वर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जिसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी यानी 10। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विकल्प बाएं दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।